वर्ल्ड कप में आज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत होगी। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 2 बजे यानी अब से कुछ ही देर में खेला जाएगा। ये मुकाबला इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका दोनों के लिए बेहद अहम होगा। दरअसल दोनों ही टीमें अपने अपने पिछले मुकाबलों में उलटफेर का शिकार हुई हैं। दक्षिण अफ्रीका को नीदरलैंड के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, तो वहीं इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने पटकनी दे डाली थी। ऐसे में आज के मुकाबले में दोनों टीमें हर हाल में जीत के ट्रैक पर लौटना चाहेंगी। अफगानिस्तान से मिली हार के बाद इंग्लैंड की टीम में बेन स्टोक्स की जल्द से जल्द वापसी के संकेत मिल गए थे। इंग्लैंड के हेड कोच ने खुद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में स्टोक्स के उपलब्धता की बात कही थी। अब जब स्टोक्स की वापसी होना तय है तो संभव है कि इंग्लिश टीम में धाकड़ ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन के बाहर बैठना उनको बाहर बैठना पड़े। इंग्लैंड में इसी के साथ दो और बदलाव भी हो सकते हैं। क्रिस वोक्स की जगह आपको बता दें कि गस एटकिंसन और सेम करन की जगह डेविड विली को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। तो ऐसे में देखना होगा कि आज का मुकाबला कैसा होने वाला है और टॉस आखिरकार कौन जीतता है इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में। दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो पिछले समय हमने देखा कि पिछले मैचेस में दोनों को ये बड़ा उलटफेर का सामना जो है वो करना पड़ा। वर्ल्ड कप में दो उलटफेर के बाद फिर से बड़ा मुकाबला, चैंपियन इंग्लैंड के सामने दक्षिण अफ्रीका को चुनौती। और वानखेड़े में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा ये मैच। दो दो हाथ करने को तैयार इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वापसी पर रहेगी इंग्लिश टीम की नजर। जीत की पटरी पर उतरना चाहेंगी दोनों टीमें, तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो वर्ल्ड कप में दो लटफेर के बाद फिर से ये बड़ा मुकाबला है, चैंपियन इंग्लैंड के सामने दक्षिण अफ्रीका की चुनौती है। दरअसल पिछले मुकाबले की बात करें तो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया था, और अगर साउथ अफ्रीका की बात करें जिसको हार का सामना, यानी कि बड़े दो उलटफेर होने के बाद अब देखना यह होगा कि आज जीत किसके हाथ लगेगी। वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच जो है वो खेला जाएगा। लगभग 2 बजे का समय बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जब टॉस होगा और देखना यह होगा क्या फैसला दोनों में से टीमें लेती हैं, कौन सी टीम टॉस जीतती है। लेकिन इन सब के बाद बेहद इंटरेस्टिंग जो है वो आज का मैच होने वाला है। जीत की पटरी पर उतरना चाहेंगी दोनों टीमें। वर्ल्ड कप में दो उलटफेर के बाद फिर से ये बड़ा मुकाबला है, तो चैंपियन इंग्लैंड के सामने दक्षिण अफ्रीका की चुनौती रहने वाली है। नीदरलैंड से हार के बावजूद साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में ताकतवर नजर आ रही है। जो बड़ा उलटफेर हुआ था वो साउथ अफ्रीका जो है वो नीदरलैंड से हारी थी। टीम के सभी प्लेयर्स की बात करें तो फॉर्म में हैं। क्विंटन डी कॉक 2 शतक लगा चुके हैं, वहीं कगिसो रबाडा ने 3 मैच में 7 विकेट लिए हैं। टीम नीदरलैंड के खिलाफ आने के बावजूद टॉप 4 की रेस से बाहर नहीं हुई है। और आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच ये बड़ी चुनौती होने वाली है कि आखिरकार टॉप 4 की रेस में कौन जगह बनाए रख पाता है। मुंबई से वृषाली कदम हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, और साथ ही लखनऊ से निकिता सरीन हमारे साथ आगे लाइव जुड़ेंगी। वृषाली, वानखेड़े स्टेडियम में कुछ ही देर में ये मैच खेला जाएगा, 2 बजे का समय बताया जा रहा है। अब बातचीत करिए लोगों से, किस तरह का एक्साइटमेंट जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन आज साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड दोनों के सामने चुनौतियां जो है वो बड़ी हैं। एक तो टॉप 4 की रेस में कौन बना रहता है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, आज वानखेड़े में अब से कुछ ही देर में ये मैच जो है वो शुरू होने वाला है। फिलहाल मैं मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क एरिया में हूँ, जो यहाँ का काफ़ी मशहूर इलाका ये माना जाता है स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ पर भी अपने तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, काफ़ी उत्साह है उनमें। और जहाँ तक के इंग्लैंड वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले की बात है, तो इसको लेकर ये काफ़ी
महत्वपूर्ण होने वाला है कि विश्व कप में आखिरी टॉप फोर में कौन जाएगा, ये इसे आज पता चल जाएगा। बस कुछ ही देर में, बस कुछ ही लम्हे हैं बाकी कि 2 बजे ये मैच जो है वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने अपने पिछले मैच में उलटफेर के सामना उनको करना पड़ा था, और ऐसे में अगर हम देखें तो मुंबई में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगे दोनों भी। और विश्व कप में सर्वाधिक स्कोर अगर इनका देखें तो 5 विकेट पर 488 रन इनका रिकॉर्ड बनाने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका को धर्मशाला में भी विश्व बाधित मैच में नीदरलैंड और उनको हराकर उलटफेर उन्होंने कर दिया था। और ऐसे में विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका पहली बार हारी थी, और उसके बाद अगर हम देखें तो इंग्लैंड में इंग्लैंड को दिल्ली और अफगानिस्तान ने भी मात दी थी, और ऐसे में आज जो है वो एक मैच जो अब खेलने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अब से कुछ ही देर में खेला जाएगा। ICC विश्व कप के इस इतिहास में अगर हम देखें तो इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये जो मैच होने वाला है, इंग्लैंड ने 4 बार अफ्रीका इंग्लैंड ने 4 बार तो अफ्रीका ने 3 मुकाबले जो है इसके पहले जीते हुए हैं, और ऐसे में आज का प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा इस पर सबकी निगाहें हैं। 2007 के बाद इंग्लैंड विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हारा नहीं है, और ऐसे में आज क्या होगा बस कुछ ही घंटे में जो है इसका जवाब मिल जाएगा। तो लोगों में काफ़ी उत्सुकता है, अपने तरीके से लोग यहाँ पर अपना बल्ला घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, चौके छक्के यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही सबकी गाए हैं और कमेंट्री सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा। आपसे कुछ बिल्कुल वृषाली, क्योंकि आप उलटफेर का जिक्र कर रही हैं, तो जरा उलटफेर को हम समझे। तो हमने देखा कि इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने हरा दिया, नीदरलैंड ने आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका को हरा दिया। 2 उलटफेर के बाद साउथ अफ्रीका जो है वो अभी भी मजबूत टीम जो है वो मानी जा रही है। जितने भी खिलाड़ी हैं सभी लगभग फॉर्म पर चल रहे हैं, अब विकेट कीपर की बात करें तो वो भी फॉर्म पर है, लेकिन इन सब के बीच इंग्लैंड जो कि 2019 में चैंपियन रही, दोनों के लिए आज जीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तय करेगा कि पॉइंट टेबल पर टॉप फोर पे कौन रहेगा। क्योंकि अभी टॉप फोर पर अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका है, और इसी जगह पर बनी रहे ये पूरी कोशिश होगी साउथ अफ्रीका की। जी बिल्कुल, साउथ अफ्रीका तो अपने पूरे जोश के साथ अब से कुछ ही देर में मैदान पर उतरेगी, और इसलिए इंग्लैंड के सामने एक चुनौती है कि कैसे अपने मुकाम को बरकरार रखे और टॉप फोर में अपनी पोजीशन बनाने में कितनी उनको सफलता हासिल होती है आज पता चलेगा। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि जहां तक कि मुंबई के वेदर का सवाल है, मुंबई को हाई अलर्ट दिया गया है जहाँ तक कि वेदर का सवाल है। हम जानते हैं सब कि साइक्लोन तेज जो है वो मुंबई की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस मैच में अगर किस तरीके से वेदर जो है वो अपनी भूमिका बजाता है उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हवाएं जो है अपना रुख बदल चुकी हैं, काफ़ी तेज़ी भी आ चुकी है, और ऐसे में बारिश होने की संभावना है, और साथ ही जो क्लाइमेट है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। तो आज के इस मुकाबले पर शाम तक क्या असर पड़ता है ये भी देखना उतना ही लाजमी है, साथ ही इंग्लैंड अपना मुकाम किस तरीके से बरकरार रखता है ये देखना भी काफी रोमांचक रहेगा। बिल्कुल वृषाली, क्योंकि आप जिस तरह से जिक्र कर रही हैं वेदर का, और हमने देखा है कि वेदर का काफी ज्यादा असर जो है वो मैच पर पड़ता है, और असर ये भी पड़ता है कि अगर बारिश की संभावना बनती है तो कौन सी टीम टॉस जीतती है और क्या डिसीजन लिया जाता है, पहले क्या बैटिंग करने का डिसीजन लिया जाता है अगर कोई भी टीम टॉस जीतती है, इस पर कहीं ना कहीं नज़र रहेगी। क्या लग रहा है, क्योंकि इंडिया की जो पिच है उनके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो रन बहुत बनते हैं, और एक तरह से कहा जा सकता है कि बल्लेबाजों के फेवर में ये पिचेस जो है वो मानी जाती रही हैं। आज क्या लग रहा है कितने रन का टारगेट जो है वो बन सकता है? देखिए, रनों की अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि साइक्लोन तेज़ जो है वो भी अपने रन बना रहा है, काफ़ी तेज़ी से मुंबई की तरफ साइक्लोन जो है वो आगे आ रहा है, और उसका असर हम मुंबई की हवाओं में भी देख रहे हैं, फिजाओं में देख रहे हैं। यहाँ का जो
रुख है हवा का वो बदल चुका है, काफ़ी तेज़ी से हवाएं चल रही है और इसका परिणाम जो होता है वो सीधा क्रिकेट जैसे खेलों पर होता है जहाँ पे वानखेड़े में ये खेलने जाने वाला है। और हवा के रुख के साथ बारिश की संभावना भी काफ़ी तेज़ हो जाती है और ऐसे में अगर शाम तक या देर शाम तक अगर हम देखें अगर ये इस तरीके से बरकरार रहा तो काफ़ी संभावना है कि बारिश हो सकती है और इसका मैच पे भी असर होता आपको दिखाई देगा क्योंकि 2 बजे मैच शुरू होने वाला है। मैच खत्म होने तक लेकिन अगर हम पिच की बात करें जाए तो रात होने वाली है और ऐसे में पिच कंडीशन की बात करें वृषाली तो ये कहा जाता है कि वानखेड़े का जो स्टेडियम है वो छोटा स्टेडियम है, बल्लेबाजों की काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, काफ़ी ज़्यादा हमने देखा। हालांकि शुरुआती ओवर की बात करें तो एक तरह से बॉलिंग के भी फेवर में जो है वो यहाँ का स्टेडियम, यहाँ की पिच जो जाती है वो नज़र आती है। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया और इसी के मद्देनज़र अभी टॉस कौन जीतता है इस पर काफ़ी उस टीम की भूमिका कितनी सफल रहेगी ये निर्भर होगा क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ये जो पिच है वो बल्लेबाजी के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, साथ ही रन बटोरने के लिए भी वानखेड़े काफ़ी मशहूर है। ऐसे में अभी का जो हवा का रुख है, अभी का जो मौसम का हाल है वो तो फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है लेकिन शाम तक या देर रात तक ये जो रुख है उसमें काफ़ी बदलाव आने की संभावना है। अगर हम वेदर डिपार्टमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर जाए तो, और जिसके चलते आज के दिन अभी कुछ ही समय में जब मैच शुरू होगा तब टॉस कौन जीतेगा इस पर काफ़ी निर्भर है इस मैच में कौन क्या निर्णायक भूमिका बजाएगा। क्योंकि ये कहा जाता है जैसे जैसे पूरा गेम जो है वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो बॉलर्स हैं उनके लिए चुनौतियाँ खड़ी, यहाँ पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी उसका मकसद यही होगा कि एक तरह से कहा जा सकता है कि पहले जो है वो बल्लेबाजी करें या फिर देखना ही होगा। हालांकि ये तो टीम पे डिपेंड करता है क्या स्ट्रेटजी जो है वो बनती हुई नज़र आती है। जी बिल्कुल अभी टॉस जीतने के बाद कौन बल्लेबाजी करना चाहता है वो अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, उसी जो रणनीति है फिर वो चाहे इंग्लैंड की हो या साउथ अफ्रीका की हो उससे साफ हो जाएगी। लेकिन बात ये ज़रूर है कि इंग्लैंड को अपना स्थान जो है वो मुकम्मल करना है अपना, ऐसे में पूरी जोश के साथ इंग्लैंड की टीम जो है वो मैदान में उतर रही है और साथ ही साउथ अफ्रीका के सामने भी चैलेंज है कि अपने मुकाम को बरकरार रखना, इसलिए वो भी पूरे तैयारी के साथ है। ऐसे में अपनी कौन सी स्ट्रेटजी वो इस्तेमाल करते हैं, बल्लेबाजी की या गेंदबाजी की, ये देखना भी उतना ही दिलचस्प होगा। निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निकिता, अगर हम बात करें क्योंकि जिस तरह से जो मुकाबला है लखनऊ में खेला जा रहा है श्रीलंका और नीदरलैंड के बीच, अभी क्या वहां पर स्थितियां देखने को मिल रही हैं, कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है? देखिए इस वक्त हम इकाना स्टेडियम के बाहर ही मौजूद है क्योंकि सुबह 10:30 बजे से यहाँ पर मैच स्टार्ट हो गया है, अंदर मैच चल रहा है, भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। और यहाँ पर बात की जाए अगर लोगों की तो हमेशा से एक क्रेज बरकरार रहा है और यही एक वजह है कि आज जो अंदर मैच चल रहा है नीदरलैंड्स और श्रीलंका का, हालांकि 202 रन बन चुके हैं और विकेट भी डाउन हो गए हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक बहुत बड़ा स्कोर तो देखने को नहीं मिलेगा। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना है आपका अंदर इस वक्त गाना में मैच चल रहा है? जाना है, बहुत एक्साइटेड है हम लोग। लेट हो गए? हाँ लेट तो हो गए, बस ट्रैफिक की वजह से डाइवर्जन बहुत सारे थे तो लेट हो गए हैं। लगातार वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है और क्योंकि कहाँ से आए हैं आप? मैं जलंधर सिटी से आया हूँ। जलंधर से यहाँ मैच देखने आए? कॉलेज है, मेरा छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैच देखने आए। तो फिलहाल क्या लगता है, आज 2 मुकाबले होने हैं वर्ल्ड कप के, अंदर ऑलरेडी श्रीलंका और नीदरलैंड चल रहा है और दूसरा आज साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, कांटे की टक्कर, दोनों ऐसी दिग्गज टीम है जिनको नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान ने शिकस्त दी थी। हाँ काफी, मतलब नीदरलैंड से इतना एक्सपेक्टेड नहीं था बट काफी अच्छा परफॉर्मेंस चल रही है उनकी एंड इसीलिए लाइक मैच देखने आ गए क्योंकि अच्छी बैटिंग। कॉलेज छोड़ के मैच देखने आए? नहीं कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं। सर आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं दशहरे की छुट्टियां भी चल रही हैं और दूसरा मैच भी था, थोड़ा क्रेज था तो मैच देखने आ गए। अच्छा मैच हो रहा है और वर्ल्ड कप का मैच है ठिकाना स्टेडियम में तो ये हुआ कि मैच तो जरूर देखना है। लगातार यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद है, बने हुए हैं, क्या लगता है आज पूरी जर्सी के साथ आए हैं इंडियन? यस
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैच देखने के लिए, इसलिए मैं इंडिया की पहन के आ गया क्योंकि क्या बात है। हाँ और भी लोग हैं आपसे जाना चाहेंगे सर, अंदर मैच चल रहा है आज, क्या लगता है रिजल्ट से? काना की स्टेडियम की जो पिच है हमेशा से एक टफ पिच मानी गई है, एक टफ मैच होने वाला है, अच्छा मैच हम लोग को देखने को मिलेगा। अभी काफी नीदरलैंड ने स्ट्रगल किया लेकिन अब अच्छे रन बना लिए और अच्छा मैच होगा यही। नीदरलैंड वही टीम है जिसने एक बड़ी दिग्गज टीम को साउथ अफ्रीका को भी हराया था। बिल्कुल बिल्कुल, नीदरलैंड एक अच्छी टीम है। मैडम आप भी कहना चाहेंगे एकदम तैयार और रेडी होके मैच देखने आई हैं, क्या कहना है आज कौन जीतने वाला है? नहीं हम तो सोचते श्रीलंका जीतेगा। श्रीलंका के फैन? श्रीलंका के थोड़े फैन है हम। दशहरा आने वाला है, आप श्रीलंका को जिताना चाह रही हैं? अरे वो अपनी जगह, दशहरा अपनी जगह है, श्रीलंका टीम के हम लोग यहाँ अप्रिशिएट कर। निकिता क्योंकि आप भी बताए टिकट्स लेकर के खड़ी हैं अंदर जाने का? बिल्कुल वी आर रेडी टू गेट इनसाइड, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बस मुझे तो ये था कि मुझे वर्ल्ड कप का कोई ना कोई तो मैच देखना है, अगर हम इंडिया का नहीं देख पाए तो कोई भी चलेगा, पर मैं नीदरलैंड के सपोर्ट। 29 को इंडिया और साउथ इंडिया और इंग्लैंड का होना है हमें। हाँ जी हाँ जी, बट एक्चुअली हो सकता है कि हम उसको ज्वाइन ना कर पाए क्योंकि वी आर वर्किंग, सो हो सकता है कि नहीं कर पाए। छुट्टी में आपने पूरा? हाँ जी पूरा इंजॉय करेंगे और नीदरलैंड को विन करवाएंगे। क्या बात है, तो ये आलम है यहाँ फिलहाल क्रिकेट प्रेमियों का, क्रिकेट फैंस का। आप देख सकते हैं अंदर मैच चल रहा है ऑलरेडी और 2 बजे से भी आज मैच होना है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का, तो दोनों अहम मुकाबले हैं। और कल जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान पर जीत पाई है तो उनका जो स्कोर बोर्ड है कहीं ना कहीं वो भी बेटर मेंटेन हुआ है। बिल्कुल, नीदरलैंड और श्रीलंका की बात करें तो नीदरलैंड ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग नीदरलैंड की तरफ से की गई है। अभी तक कितने रन बने हैं और क्या लग रहा है कितना टारगेट जो है आज श्रीलंका को मिलने वाला है? देखिए नीदरलैंड्स फिलहाल शुरुआत कह सकते हैं अभी 200 के ऊपर रन बन चुके हैं और नीदरलैंड के 6 विकेट्स ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। और इकाना की अगर पिच की बात की जाए तो बेहद प्लेन पिच है लेकिन रन्स यहां पर इतने ज़्यादा नहीं निकलते हैं, तो अगर नीदरलैंड्स चाहती है कि वो यहाँ ही अपना ये मुकाबला जीते तो उनको अपनी जो गति है जो स्पीड है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा और एक अच्छा टारगेट देना होगा श्रीलंका को। नहीं तो ये ईजिली अगर 200 पे पूरी टीम सिमट जाती है या 250 पे ये टीम सिमट जाती है तो श्रीलंका बहुत आसानी से बना देगा क्योंकि लगातार फॉर्म में भी चल रही है श्रीलंकन टीम, तो एक अच्छा टारगेट जरूर सेट करना होगा यहाँ पर। और लगातार हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर मैच देखने के लिए हम उनसे भी लगातार बने। मैडम आज आप मैच देख रहे हैं, ये क्या लगता है कौन जीतने वाला है? नीदरलैंड। नीदरलैंड सपोर्टर है? जी। अच्छा, तो अभी फिलहाल 6 विकेट्स तो गिर गए नीदरलैंड्स के। देखिए अब आगे श्रीलंका ने अभी बैटिंग नहीं की है, तो श्रीलंका बैटिंग करती है तो क्या होता है, तो रिजल्ट बाद में ही पता चलेगा जब नीदरलैंड बॉलिंग करेगी। तो बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर क्रेज लोगों को देखने को मिल रहा है और उनका मिली जुली, बिल्कुल मुझे लगता है निकिता नीदरलैंड को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नीदरलैंड वही टीम है जिसने बड़ा उलटफेर किया था, साउथ अफ्रीका को हराया था। एग्जैक्टली, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का भी मैच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।